गाइस डीएम स्टेप आप लोगों के लिए लेकर के आए लाखों रुपए कमाने का मौका। 5 से 10 लाख रुपए आप गारंटेड एक कुर्सी के ऊपर बैठ करके कमा सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि नॉर्मली मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, सिंपली आपको इतना ही करना है। इस चेयर के ऊपर तो कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, ना तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत। मेहनत भी हम करेंगे, पैसा भी हम लोग लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक चेयर के ऊपर बैठना है। एक छोटा सा ऑफिस आप कहीं पर भी किसी भी जगह के ऊपर ले सकते हैं और आप बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ में डंके की चोट पे कह सकता हूँ, भारत में आज से पहले ऐसा बिजनेस आइडिया आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। ये जो बिजनेस आइडिया, ये जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, ये दो तरीके से आप लोगों को पैसे देने वाला है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आज के जमाने में भारत देश के अंदर इतने ज्यादा बेरोजगार है, कहीं पर भी आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ लगा करके रख दोगे वही आपको बेरोजगार मिलेगा। इस बेरोजगारी का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, हम उन लोगों को रोजगार दे सकते हैं। गारंटी है कंपनी आपको रोजगार देने वाली है। जो व्यक्ति किसी को भी अगर जॉब की नीड है तो सिंपली हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में, जैसे कि आप लोग यहां पर देख भी पा रहे हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद में 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ में इंटर्नशिप के अंदर भी आप लोगों को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में कहीं पर भी आपकी इंटर्नशिप करवा दी, 3 महीने आपका बर्बाद करवा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए भी आप लोगों को पैसा भी मिलेगा और इंटर्नशिप भी होगी। उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं एक परमानेंट जॉब के ऊपर लगवा दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। कहीं पर भी आप लोगों को एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है, 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाली आप लोगों को जॉब मिल सकती है। कितना अच्छा काम आप लोगों के लिए हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को पहले पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो भी पैसा आप लोगों को देना है, जब आपका जॉब लग जाता है तब आप पैसा दे सकते हैं, उससे पहले आपको बिल्कुल भी पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोचे कितना अच्छा चीज आप लोगों के लिए हो सकता है। जो भी भाई बेरोजगार है वो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करे। इसी के साथ में अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो 5 से 10 लाख रुपए जैसे कि मैंने पहले बताया चेयर के ऊपर बैठ करके कमा सकता है। उसको सिंपली कुछ नहीं करना है, जितने भी उसके आसपास के कहीं के भी व्यक्ति हो, कैसे भी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी बेरोजगार हो सकता है, उन लोगों से वो कांटेक्ट कर सकता है। जैसे वो उन लोगों से कांटेक्ट करेगा, उनको बताएगा कि मैं आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराऊंगा, तो सिंपली उनको जो भी उनका डेटा होता है, जो भी प्रोफाइल होता है, वो कंपनी को भेजना होता है। कंपनी फिर उसका काउंसलिंग करेगा कि ये बंदा परफेक्ट है कि नहीं है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सिंपल इतना काम करना होता है, उसके बाद में उसको कंपनी जॉब प्रोवाइड करा देती है। कितनी अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि आपको चेयर पे बैठ करके एक अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है। जितने भी लोगों को आप हमारे पास लेकर के आओगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को पैसा मिलेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि दोस्तों आज तक आपने इंडिया में किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं देखा होगा कि चेयर के ऊपर बैठ करके आप 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो सभी लोग जानते हैं भारत में बेरोजगार की कमी नहीं है, कहीं पर भी आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ऐड करवा सकते हैं, न्यूज चैनल के ऊपर ऐड करवा सकते हैं या फिर न्यूज पेपर के अंदर ऐड करवा सकते हैं और वहां पर लोगों को बता सकते हैं कि हाँ भाई हम आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएंगे। जॉब भी प्रोवाइड कराने के बाद ही आप लोगों को पैसा देना, उससे पहले आपको 1 रुपए भी नहीं देना। आपके पास में इतने लोगों की भीड़ लग जाएगी, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने ज्यादा बेरोजगार मेरे पास में आ सकते हैं। मैं किसी बेरोजगार भाई की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं वो चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारी वजह से किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो वो आपको दुआएं भी देगा, पैसे भी देकर के जाएगा, वो भी खुशी खुशी। आपको जिंदगी भर याद रखेगा कि कोई व्यक्ति हमें मिला था जो कि उसने हमें जॉब भी दिलवाया, सारी चीजें करवाई, वो आपका हमेशा मतलब कि आपके लिए दुआएं देता रहेगा। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि किस तरीके से वो व्यक्ति आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो भी वीडियो को पूरा देखें, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें। अभी हम बात करने वाले हैं डीएम स्टेप फ्रेंचाइजी के ओनर सर मिस्टर आशीष अग्रवाल जी से, जो कि फ्रेंचाइजी बताओ के सीईओ एंड फाउंडर भी हैं। अभी वो आपको इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, क्या बिजनेस है, किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोड से चलकर आए एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शूट करने के लिए। जी, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन समस्या क्या है और डीएम स्टेप्स किस तरीके से उन समस्या का समाधान कर रहा है। भारत में लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी से ज्यादा बड़ी समस्या क्या है कि लोग स्किल्ड नहीं है। बिल्कुल, अगर आप किसी को एक स्किल सिखा दो वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरेगा। नहीं मरेगा।
अगर किसी को बोलना आता है, पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो भूखा नहीं मरेगा। किसी को कपड़े बनाने आते हैं तो भूखा नहीं मरेगा। किसी को जूते बनाने आते हैं तो भूखा नहीं मरेगा। किसी को किसानी आती है तो भूखा नहीं मरेगा। मतलब आपको कोई भी काम अच्छे से आता है तो आप उस काम को करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि मुझे ऑफिसर जॉब मिले, जो मैं घर में कंप्यूटर में बैठ के मोबाइल के जरिए पैसे कमा सकूं, आपका मोबाइल आपके लिए पैसे की मशीन बन जाए, उनके लिए क्या है? उनके लिए कंप्यूटर सहारा है, ऑनलाइन बिजनेस सहारा है। और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, कंप्यूटर पर जॉब करने के लिए, मोबाइल पर जॉब करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब डिजिटल मार्केटिंग से हमारा तात्पर्य क्या है? अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आप किसी का वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हो। अगर आपको ग्राफिक्स बनाने आते हैं तो ग्राफिक बना के पैसे कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग से इनकम आ सकती है। कंटेंट राइटिंग अगर आपको आती है तो सोचिए कि कितनी डिमांड है आपकी। अगर आपको SEO करना आता है, वेबसाइट की बूस्टिंग करनी आती है तो सोचिए। लीड जनरेशन अगर आपको आती है तो सोचिए। मतलब ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक कोर्स है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और DM स्टेप्स पर हम यही कोर्स करवाते हैं, जहां पर हम आपको मल्टीपल स्किल्स एट वन प्लेस सिखाते हैं। ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अब जब हम ये काम कर रहे थे कोविड से पहले से, इस काम को हम कर रहे थे, बच्चों का बैच बनता था जैसे नॉर्मल सब जगह बनता है, बच्चे आते थे पढ़कर चले जाते थे, कई बार जॉब प्लेसमेंट होती थी, कई बार नहीं होती थी, बड़ी समस्याएं थी। हमने कहा कि ऐसा कोई काम करें जहां पर हम स्टैम्प पेपर के ऊपर गारंटी से लिख के दे सके कि भैया जॉब नहीं तो पैसे नहीं। बिल्कुल। अब मैं आपसे कोई चीज बोलूं कि आप मेरे से ये सामान ले लीजिए, अगर खराब हो जाए तो आप पैसे वापस कर दूंगा, आप बोलोगे ऐसा तो सब बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि भैया 100% मनी बैक गारंटी है जी, जॉब गारंटी है, जॉब एश्योरेंस है, सब जगह लिखा हुआ। ऐसा क्या करें जिससे कि लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो जाए? मैंने कहा भाई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पैसे तब देना जिस दिन मैं आपकी जॉब लगा दूं। बिल्कुल। जिस दिन आपकी जॉब लग जाए उस दिन से पैसे लेना शुरू करूंगा। मैं आपको 3 महीने का पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, 3 महीने के इंटर्नशिप दे रहा हूँ, पेड इंटर्नशिप। बिल्कुल। आपको इंटर्नशिप के समय पैसे मिलेंगे, काम भी करोगे और पैसे भी मिलेंगे। जी। 6 महीने के अंदर अगर मैं आपको जॉब नहीं लगवा पाता हूँ, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे, और अगर जॉब लगवा देता हूँ तो आपको अपनी फीस देनी पड़ेगी, वो भी एक बार में देने की जरूरत नहीं है, जितनी सैलरी आ रही है उसके हिसाब से आप हमें फीस दे दें, कमा कर फीस दे दो। बिल्कुल सही बात है। अब वो गरीब बच्चा जिसका पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पढ़ना चाहता है, आगे जीवन में कुछ करना चाहता है, वो कर सकता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली कंडीशन, 18 साल की एज होनी चाहिए, 12वीं पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश का ज्ञान आना चाहिए, लिखना का भी और बोलने का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर पर जो बोलते हैं कि सिर्फ हिंदी से काम चल जाएगा, बुरा मत मानना भाइयों, इंग्लिश का थोड़ी बहुत नॉलेज जरूरी है। हम भारतीय होने के साथ साथ हिंदी पर गर्व करते हैं, लेकिन इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट है, परफेक्ट कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज टूटी फूटी, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ भाई, जितना आता है बहुत है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता है, फेसबुक आप चला लेते हैं, अकाउंट है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप आप चला लेते हैं, अकाउंट है व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब कि टेक्नोलॉजी का जरा मासा ज्ञान है, जो आजकल बच्चा पैदा बाद में होता है, ज्ञान पहले मिल जाता है। बिल्कुल सर। तो अगर इतना किसी के पास है तो वो बच्चा हमारे पास आ सकता है। एक छोटी सी हम सिक्योरिटी अमाउंट उनसे लेते हैं कि वो 4 दिन आए बाद में भाग जाए, इसके लिए एक छोटा सा सिक्योरिटी अमाउंट उसको जमा कराना पड़ता है, और अगर जॉब नहीं लगती वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर देते हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है एक भी बच्चे के साथ जिसकी जॉब ना लगी, ऐसा आज तक एक भी बच्चे के साथ नहीं हुआ हमारे साथ। तो हम लोग इस तरीके से कोर्स करवा रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार देना, तो आज के जमाने में तो हर कोई पहले पैसा लेता है, उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आप तो वो चीज कर रहे हैं कि पैसा बाद में दे देना, पहले जॉब ले लो, पहले जॉब ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टैम्प पेपर पर हम लोग आपसे करवाते हैं कि एक आपके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारी पूरी मेहनत लग रही है, टीचर्स लग रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जब आपकी जॉब लगे तो आप पैसा दें, इसके लिए हम आपसे कहते हैं एग्रीमेंट करते हैं। और उसके अलावा कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग आए जुड़े सीखें और काबिल बने और लोगों को काबिल बनाए। बिल्कुल। ये चेन है, जब जुड़ती चली जाएगी तो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए हमने सोचा कि मैं अकेला कितना कर लूंगा। सही बात है। तो मैंने बोला सब मिलके करेंगे तो जगह जगह पर हमें फ्रेंचाइजीज बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए हमने फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट निकाला। और चूंकि आप जानते हैं कि फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से मैं काम करता हूं, तो फ्रेंचाइजी का तो आप लोगों की दया से थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तो हमने कहा कि चलो इसको फ्रेंचाइजी सिस्टम के जरिए बेचा जाए।
अब फ्रेंचाइजी सिस्टम के जरिए बेचा जाए तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो बहुत मोटिवेटेड हो, जिनका थोड़ा पब्लिक इन्फ्लुएंस हो, जो लोग काम करना चाहते हो जुझारू हो। बिल्कुल, यहां पर पहले मैं बताना चाहूंगा काम उन्हें कुछ नहीं करना है, उनका जो मेन काम क्या है, उनको एक ऑफिस देना होगा, 2 से 3 कंप्यूटर देने होंगे, इंटरनेट कनेक्शन देना होगा, 10-15-20 बच्चों को बैठने की जगह उन्हें देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उन्हें एक काउंसलर, जो बच्चा आया जैसे आपका बच्चा आया ठीक है, वो जानना चाहता है कि अच्छा मैं पढ़ के करूंगा क्या, अच्छा वेबसाइट बना के होगा क्या, तो आपका जो काउंसलर वो बता सके। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हेमंत भाई हैं, आप लोग इनवाइटेड है बहरोड में, डेट आपको बता दूंगा, सबसे पहले बहरोड के अंदर मेन रोड के ऊपर डीएम स्टेप्स का सेंटर खुलने जा रहा है जो हेमंत जी ने लिया है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जितनी शुभकामनाएं दे सकते हो उतनी शुभकामना चाहिए। बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो आप देख भी पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी देख भी पाएंगे इसी मंथ में। तो यहाँ पर एक तो ये चीज है, अब ये सब चीजें कोई भी आसानी से कर लेता है पूरा। उसके बाद हमारी जो फ्रेंचाइजी फीस है वो 2 लाख रुपए की हमारी फ्रेंचाइजी फीस रहती है। अब इस फ्रेंचाइजी फीस में हम देते क्या, लोग बोलते हैं कि आप जो 2 लाख रुपए ले रहे इसमें आप क्या करोगे, तो 2 लाख रुपए में हम करते क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पूरा कोर्स स्ट्रक्चर हम देते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको बाहर का बोर्ड हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, आपको रेगुलर ग्राफिक्स मार्केटिंग के लिए हमारी तरफ से आते हैं, आपको कुछ पैम्पलेट स्टार्टिंग के 5 से 10 हजार पैम्पलेट हमारी तरफ से आते हैं, और साथ ही साथ जब भी आप ओपनिंग करोगे तो ओपनिंग पर 99% कोशिश ये रहेगी कि मैं खुद आऊं और आपके बच्चों का एक सेशन जरूर लूं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर किसी कारणवश नहीं आ पाया तो पहले 3 महीने में एक बार एक विजिट मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, मैं वहां पर विजिट जरूर दूंगा, और उस समय आप सेशन रख सकते हो और लोगों को बुला सकते हो और लोगों को बता सकते हो। ये काम हम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको ये काम कैसा लगा। सर मेरे को अच्छा लगा, तभी तो मैंने आपको बोला कि सर सबसे पहले तो मुझे दे दीजिए, मेरे को लोगों को रोजगार देना है, क्योंकि मेरे पास सर इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं उनके पास में, तो क्यों ना उनके लिए इतना नहीं कर सकते, कर सकते इतना तो कर ही सकते हैं। तो सोचा कि जितने भी कॉल्स हमारे पास आएंगे तो हम उनको बोलेंगे कि भाई ठीक है हम तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे, गारंटी है, आप बैठे हैं एग्रीमेंट आप दे रहे हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ बुरा हो, मैं भी चाहता हूँ उनको कुछ अच्छा मिले, उनको मेरे हर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े भाई, उनकी तलाश अभी खत्म हो जाए, तो मैं खुद ये चीज चाहता हूँ सर, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, सो मैंने ये चीज स्टार्ट कर दी है, और बाकी हमारा 21-22 तारीख तक ओपनिंग हो जाएगा, डेट आपको बता दिया जाएगा, फ्रेंचाइजी बताओ के चैनल पर भी डेट आ जाएगी, इंडियन स्टेक चैनल के ऊपर भी डेट आ जाएगी, आप लोगों को सबको पता चल जाएगा, और आप लोग वहां इन्वाइटेड है हमारी तरफ से। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप लोग अगर अपने क्षेत्र में इसका सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, सबसे पहली चीज जब आप लोगों को बताओगे कि भाई आपको एक ऐसा कोर्स कराया जाता है जहां पर पैसे नहीं देने, बिना पैसे एक कोर्स लोग आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, लेकिन उस भीड़ को मैनेज करना आपको आना चाहिए, और आपको लोगों के बीच आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, आप फेमस हो जाओगे अपने इलाके में, तो आपको एक सफेद इनकम जिसको बोलते हैं ना प्योर व्हाइट इनकम, ये प्योर व्हाइट इनकम पता है क्यों है, क्योंकि आप जिसकी नौकरी लगाओगे वो आपको दुआ देगा या नहीं देगा, 100% देगा सर। तो इसको बोलते हैं जब आप किसी का काम करते हो और वो आपको ब्लेसिंग्स देके जाए, दुआएं देकर जाए, ये होती है प्योर व्हाइट इनकम सर। अंदर से जो खुशी मिलती है ना वो चाहे 10 करोड़ रुपए भी कोई दे दे तो भी ना मिले, तब भी नहीं, लेकिन कोई दुआ देख के चला गए ना वो खुशी एक अलग ही होती है। तो हम लोगों ने भी यही सोचा, हमें नहीं पढ़ाने, हम लोग अपने सेंटर्स में महीने के 20-50 बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने सेंटर में महीने के 10-12 बच्चे पढ़ाते हैं, क्योंकि आप 10-12 को काबिल बना लो वो ज्यादा जरूरी है, 50 बच्चे लाकर उसमें कुछ ना कर पाओ कोई जरूरी नहीं है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि इनकम के बारे में कमा कितना लोगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। मैं कहता हूँ महीने के 10 ही बच्चे लेकर आओ, सिर्फ 10 बच्चों का एडमिशन, क्या इस कोर्स में भी आप 10 बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाओगे, नहीं करा पाओगे तो वीडियो यही छोड़ दो और आगे मत देखो, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर अगर आप 10 बच्चों का भी एडमिशन हर महीने करा लेते हो तो हमारी जो फीस होती है 50,000 के अराउंड होती है, वो शहर टू शहर डिसाइड हम कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 50,000 में 20,000 रुपीज का शेयर किसका होता है, वो शेयर होता है फ्रेंचाइजी का, आपने फ्रेंचाइजी ली है, पढ़ाने का कोई काम नहीं आपको, सारी पढ़ाई हम कराएंगे, एग्जाम हम दिलाएंगे, उसके प्लेसमेंट हम कराएंगे, नौकरी हम लगाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको केवल उसकी काउंसलिंग करनी है, डे बाय डे उसकी मॉनिटरिंग रखनी है, बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल चीज है,
तो ये सब चीजें हम करेंगे। आप 10 बच्चे आपने एडमिशन लिए 20,000 रुपए एक बच्चे के ऊपर, तो 2,00,000 रुपए महीना आप कमा रहे हो केवल 10 बच्चों का एडमिशन से। और अगर आपके पास बड़ा सेंटर है, ज्यादा लोग बिठा सकते हो, ज्यादा समय लगा सकते हो, तो सोचो कि आप 2,00,000 से लेकर 10,00,000 रुपए के बीच में कोई भी इनकम अर्न कर सकते हो। जितना एडमिशन, जितना मेहनत आप करोगे उतनी कमाई है यहाँ पर। और ये एजुकेशन को बिजनेस ना बोलकर आप जब इसे बिल्कुल क्या बोले इसको सोशल वर्क की तरह काम करोगे तो आपको एक इनकम भी आएगी, ब्लेसिंग्स भी आएगी, और आपको कभी भी आपको एडमिशन्स की कमी नहीं रहने वाली है। बिल्कुल कोई भी काम करो, इस काम की बात नहीं कर रहा। अगर आप इंडस्ट्री चैनल पे रेगुलर आते हो, देखते हो, आपने कोई भी बिजनेस लिया है, हर बिजनेस को डेडिकेशन के साथ करो, दिल लगा के करो। कभी जिंदगी में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, कभी जिंदगी में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैंने ये काम क्यों किया। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने काम गलत चूज कर लिया, वो काम गलत नहीं होता, वो बंदा गलत होता है, बेसिकली ना कॉम्बिनेशन गलत होता है। आपको करना था बेसिकली यूट्यूब का बिजनेस और आपने कर लिया आटे की दुकान, वो कैसे चलेगा? तो आटे का दुकान बुरा नहीं है, ग्रोसरी स्टोर बुरी नहीं है, आदमी गलत बैठा है उसके ऊपर। सही कॉम्बिनेशन होना, सही मैच मेकिंग होनी बहुत जरूरी है। और डीएम स्टेप्स एक ऐसा ही बिजनेस है जहां पर आप समय दे सकते हो, जहां पर लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, जहां पर आप अपने प्रेस्टीज और आप स्वाभिमान के साथ काम करना चाहते हो, तो ये वो बिजनेस है जहां पर आपका स्वाभिमान भी है, ईमान भी है, और कमाई भी है, और लोगों के लिए आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो। तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं, नंबर आपको दे दिए जाएंगे और डिटेल्स आपको सारी दे दी जाएगी। dmsteps.com पर भी जुड़ सकते हैं और आप फ्रेंचाइजी बताओ के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो सर ये जानकारी दी, अगर आपको मन में कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर नहीं सर, सवाल तो सारे क्लियर ही हो गए, सारी चीजें बता दी हमने। फ्रेंचाइजी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो भी बता दिया, कितना प्रॉफिट मिलेगा वो भी बता दिया सर। या कोई अगर स्टूडेंट देख रहा है नौकरी पाने के लिए, उसको भी बता दिया कि 50,000 रुपए तभी देना है जब आपकी नौकरी लग जाए। बिल्कुल सारी चीजें हमने वीडियो के अंदर क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी ये चीज लगती है कि मेरे को कोई चीज समझ नहीं आई है, स्क्रीन पे नंबर दिया गया, कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं या विजिट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप दिल्ली आ सकते हैं, चाहे आप भैरोड आ सकते हैं, जहाँ आपका मन करता है वहाँ पर आप लोग से मिल करके बात करके समझ सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक नई नौकरी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखते रहिए, जय हिंद जय भारत।